हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका चरणजीत सिंह चहल बी सिंटू आज आपके सामने दोबारा एक और वीडियो लेके आया हूँ। बहुत अच्छी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं भी आप और वीडियो बनाएं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं आगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट लोअर बॉडी के बारे में। जो लोअर बॉडी का वर्कआउट है वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है, जिम आते हैं मंडे टू सैटरडे कर रहे हैं अपना, तो पर अपर बॉडी पे ज़्यादा ध्यान है, उनके भी डोले बना लें, चेस्ट बना लें, पर ऐसे तो नहीं है, पर चलो फिर भी, बट उनकी लोअर बॉडी तो ऐसे ही से जॉनी ब्रेवो कार्टून सबने देखा होगा कि अपर बॉडी तो बहुत अच्छी है पर लातें छोटी छोटी हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर बेसिक उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि थाइस के ऊपर हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं या फिर उसको कैसे हमने इम्प्रूव करना है या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 50% आपका बॉडी पार्ट जो है वो थाइस है, लाते हैं आपकी, तो 50% जो आपकी बॉडी है वो आप ट्रेन ही नहीं करते हैं उसे। तो बेसिकली जो पेड़ की जड़ी मजबूत है तो पेड़ कितनी देर तक खड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब ये, लोग अपर बॉडी को ज़्यादा ट्रेन करते हैं और थाइस को बिल्कुल नहीं करते हैं। बेसिकली वो करने बहुत ज़रूरी हैं, उसके लिए आप स्क्वाट कर सकते हैं, लेग प्रेस कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, लेग कर्ल है, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है हैमस्ट्रिंग्स के लिए आपके, काफ ट्रेन कीजिए अपने, ठीक है, काफ के लिए स्टैंडिंग काफ रेज होती है, डोंकी काफ है, सीटेड काफ है, कितनी सारी एक्सरसाइज के नाम तो मैं नहीं आपको बता, इतने वैसे पता नहीं होते लोगों को जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेग एक्सटेंशंस आप कर सकते हैं उसके लिए। सो बेसिकली जो हमारा लोअर बॉडी है वो ट्रेन करनी बहुत ज़रूरी है आपको, अगर आप वो ट्रेन नहीं करेंगे तो आपकी अपर बॉडी में भी बहुत कमियां जो हैं वो रह जाती हैं। तो बेसिकली जैसे भी आप अपना लोअर बॉडी को आप ट्रेन करते हैं तो अपर बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो तगड़ा होना शुरू हो जाती है अपने आप ही। जब भी हम लोअर बॉडी को ट्रेन करते हैं तो बेसिकली हमारे जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो बूस्ट होते हैं, ब्लड सेल्स वेसल्स में जाते हैं, जो ब्लड आपको फ्लो करता है बॉडी में बहुत अच्छा हो, तो हमें लेग्स जो हैं वो ट्रेन करनी बहुत ज़रूरी हैं। बेसिकली जो अपर बॉडी है वो इतना नहीं कर पाती, जो बेसिकली हमारे थाई कर पाते हैं ना वो अपर बॉडी नहीं कर पाती, सारा दिन हमें उस पर चलना है, खड़ना है, बैठना, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। अगर आपको थाईज ना, उसको जो आप कैसे लगोगे, है ना। तो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब यही था कि लोअर बॉडी को आप जरूर ट्रेन करें। आप जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे मैं हूँ या फिर आप लगा लीजिए जो प्रोफेशनल तैयारी कर रहे हैं, वो हफ्ते में इसको 2 या 3 बार ट्रेन करते हैं, बिकॉज वो क्वाड्स अलग करते हैं, हैमस्ट्रिंग अलग करते हैं और काफ्स को अल्टरनेट डे पे वो ट्रेन करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बेसिकली अगर हम नॉर्मल बंदों की बात करें जो जिम आ रहे हैं कुछ है, वो उनको हफ्ते में एक बार तो उनको ट्रेन करना ही चाहिए, वे बेसिकली आएँ जितना उनसे हो सकता है उतना वो स्क्वाड में वेट लगाएं, अपना लेग प्रेस लगाएं, एक्सटेंशंस लगाएं और इसको इम्प्रूव करें जितना हो सकता है। तो इससे आपकी ब्यूटी का पता चलता है आपको, कल को आप ये ना हो कि ऊपर से तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो और बंदे की आंखें नीचे आएँ तो उसको ऐसा लगे कि है ही नहीं कुछ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं ना। तो लोग उसके बाद लोग आपका मजाक ही बनाते हैं, पिंक पैंथर जा रहा है या फिर जॉनी ब्रेवो जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि बॉडी को सिमेट्रिकल रखें। अगर मैं गेम की बात करूँ बॉडी बिल्डिंग की, तो बॉडी बिल्डिंग से गेम हो सिमेट्री, तो सिमेट्री इसमें प्रॉपर होनी चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक आप एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं है कि अपर ज़्यादा है बाजू ज़्यादा होगी है तभी लोग हारते हैं, लोग कहते हैं मैं तगड़ा था और मुझे प्राइज़ नहीं मिला, तो इसी करके नहीं मिलता, सिमेट्री के पॉइंट होते हैं। नीचे लिंक है, आप उसको जाके सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता आप इसे शेयर करें, कमेंट करें और अपने व्यूज़ जो है मुझे भेजें और आगे कौन सी हम वीडियो बना सकते हैं उसके बारे में हमें बता सकते हैं। बाकी तो मैं आपके सामने आता ही रहूँगा ऐसे ऐसी नई नई वीडियोज़ देखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।